कर रहे हैं। संत हमारे श्री राम गोपाल जी, हमारी पूर्व राज्य मंत्री मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मेहरुन्निसा टांग साहब, पार्टी के हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी, पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया साहब, प्रधान प्रतिनिधि भाई धर्मपाल जी सिहाग साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन जी भाकर साहब, श्रीमती उर्मिला बिजानिया जी, रमेश बेनीवाल जी, श्रीमती सरोज लांबा जी, सुशील जोशी जी, अद्रीस गौरी जी, श्री पूनम इसारिया जी, शैलेंद्र वर्मा जी मंडल के अध्यक्ष, कुलदीप जी, धर्मपाल जी मान साहब, ओम प्रकाश जी बिजानिया साहब और दिलीप गोदारा जी, और मेरे सामने बैठे नौहर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आने वाले मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इस कार्यक्रम में सभा में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बैसाखी के पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस भी है, इसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कल जन्मदिन है, उनकी भी मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1919 को जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर मैं ऐसे उन सब शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और आप देख रहे हैं चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है। आए दिन कई लोग आपके पास आते होंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी आ रहे होंगे, आपसे झूठे साचे वादे भी कर रहे होंगे। उन लोगों ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने जाति और धर्म पर बांटने का काम किया है। कांग्रेस के लोगों ने जाति और धर्म पर बांटने का काम किया है। यह धरती किसान नेता कुंभाराम जी की जन्मभूमि है। उन्होंने किसानों के लिए पूरा जीवन लगाने का काम किया था, पूरा जीवन लगाने का काम किया था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले इस देश के अंदर लोग सिर्फ नारे देते थे, नारे, कभी गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी किसान को उन्नत बनाओ ये नारा देते थे, लेकिन जिन्होंने इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया, उनका कभी गरीब से और किसान से कोई संबंध नहीं रहा, किसी तरह का संबंध नहीं रहा, वो नारों तक सीमित रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या गरीब कल्याण का काम नहीं हुआ? क्या हर गांव में गरीब के लिए मकान नहीं बना? क्या हर माता बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया? क्या हर गरीब माता को गैस का चूल्हा देने का, सिलेंडर देने का
और जला का काम करने का काम नहीं किया? क्या हमारी माता बहनों के खाते नहीं खुले और उन खातों में पैसा जाना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से पहले कोई गरीब आदमी बैंक के खाते की तो क्या चलता है, गरीब बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता, पैर नहीं रख सकता था। 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में इस मां भारत का, मां भारती का दुनिया में सम्मान दिलाने का काम अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके हनुमानगढ़ होकर के भारतमाला का रोड गया है, 4 लाइन 6 लाइन गया है, आप कभी गए क्या उस पर? जरा बताइए कौन कौन भारतमाला वाले रोड पर गए, जरा हाथ खड़ा करिए। गए ना आप उस पर? आप बताइए कैसा लगता है जब उस पर चलते हैं तो? अरे जरा बताइए कैसा लगता है जब चलते हैं उस पर तो? अरे वो युवा है हमारे, कैसा लगता है आपको जब उस भारतमाला के रोड पर चलते हैं तो? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के रेलवे स्टेशन से लेकर के देश के रोड से लेकर के देश से विकास की योजनाओं से लेकर के अगर किसी ने काम